इसे अलविदा कह देना। चलते फिरते बस यूं ही तुम मुस्कुराते रहना, इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। टेंशन ने हमें जीवन में बहुत परेशान किया है, लेकिन आज के बाद नहीं। जीवन की राह में ये टेंशन परिस्थितियां बीच में आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, लेकिन उस समय क्या करना है वो अभी आप सुनेंगे। इसे अलविदा कह देना। आज का लेसन टाइटल डालें समय की पहचान। देखिए, समय के बारे में कहते हैं समय परिवर्तनशील होता है, सब दिन होता एक समान, हर चीज की एक अवस्था होती है। आप इस वीडियो में देखें कि जीवन का चक्र कैसे चलता है। पहले बचपन की आयु होती है, एक लाइफ साइकिल इसमें दिखाया, फिर धीरे धीरे हम युवा होते हैं, मैच्योरिटी, फिर और बड़े हो जाते हैं, और फिर लास्ट में ओल्ड एज होती है, और फिर डेथ। देखिए, बचपन, फिर युवा हो रहा है धीरे धीरे, ऐसे चक्र चलता है। युवा, देख रहे हैं, ये अवस्था है, सबके जीवन में आती है। देखिए, देखते जाएं वीडियो को, और फिर व्यक्ति ओल्ड हो गया, और लास्ट हम सब जानते हैं
लास्ट में मृत्यु। बस ये ऐसी अवस्था चलती है। तो बचपन, युवा, मैच्योरिटी, फिर लास्ट में ओल्ड एज होने के बाद डेथ, ये सबके जीवन का होता है। तो इसको हमने स्वीकार कर लिया है, इसमें हम प्रश्न नहीं उठाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, हमेशा बचपन तो नहीं रहेगा। ऐसी ऋतुओं का चक्र देखिए, मौसम बदलते जाते हैं ना, गर्मी, सर्दी, फिर बरसात होती है, माना ऋतुएं भी बदलती हैं। उसको भी हमने स्वीकार कर लिया है, प्रश्न नहीं उठाते क्यों बरसात आ गई। ये साइकिल है, चलता है। और सबसे बड़ा देखिए, हमने स्वीकार करा, सुबह होती है मॉर्निंग टाइम, दोपहर होती है, फिर शाम होती है, और फिर रात हो जाती है। तो हमने स्वीकार कर लिया है, और रात होती है तो डरते नहीं है, पता है फिर सुबह हो जाएगी, और क्वेश्चन भी नहीं उठाते कि सुबह थी तो यही चलती ना। तो ऐसे ये सृष्टि का जो समय है, परमात्मा ने बताया कि चार अवस्थाओं में, युगों में चक्र लगाते हैं। देखिए आप सृष्टि चक्र, देखिए इस लेसन के विषय में मैं आपको बता दूं कि हर फिलॉसफी में अलग अलग फिगर, कैलकुलेशन मिलते हैं, पर जो अभी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो डायरेक्ट ज्योति बिंदु शिव बाबा ने जो इस दुनिया में आकर बताया, किसके मुख द्वारा बताया वो सब आप एडवांस कोर्स में समझेंगे। पर जो शिव बाबा ने, देखिए ये जो साइकिल ऑफ टाइम आप देख रहे हैं, सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, जिसके लिए आज भी हम गाते हैं। देखिए इस चित्र को अच्छे से, कहते हैं ना, डाल डाल पर सोने की चिड़िया, ऐसा भारत देश था मेरा। माना ऐसा समय था स्वर्ण युग, मॉर्निंग टाइम सतयुग। और देखिए जो स्वास्तिका आप देख रहे हैं इसमें, ये बराबर भाग में बनाते हैं। क्यों स्वास्तिका बराबर भाग में बनाते हैं, कि शिव बाबा ने बताया कि हर युग इस सृष्टि पर बराबर समय चलता है, हर युग का अवधि होती है 1250 साल। तो 1250 साल सतयुग चला, माना सुबह, स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड, फिर त्रेता युग आया, माना दोपहर आ गई, वो भी 1250 साल चला, फिर शाम हो गई, द्वापर युग, वो भी 1250, और फिर चौथा कलयुग, वो भी 1250। और जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात, चक्र निरंतर घूमता है, हम प्रश्न नहीं उठाते कि रात क्यों हो गई, फिर सुबह आएगी या नहीं। तो ऐसी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, देखिए ये घूमते ही रहता है और बराबर होता है, और चारों युगों की आयु टोटल कर दे तो हो गई 5000 साल। हम सिंपल अपनी भाषा में समझते हैं, बहुत इजी। जैसे एक फिल्म देखने जाते हैं, वो 3 घंटे की मानो रील है, और फिर 3 घंटे के बाद वैसी रिपीट होती है। तो ये जो दुनिया की फिल्म है, एक बार की रील है 5000 साल, और हर एपिसोड, जैसे नहीं आप एपिसोड देखते हैं, तो इसके 4 एपिसोड हैं। सतयुग पहला एपिसोड, फिर त्रेता युग दूसरा, फिर द्वापर, फिर कलयुग। अब एक एक युगों की डिटेल में हम चलते हैं। सीढ़ी के चित्र में आप देखेंगे, जैसा जैसा मैं बोलूं, जिस जिस युगों की यात्रा में ले जाऊं
आप करते चले। सबसे पहले चलिए अपने घर परम धाम, वहां पर हम आत्मा ज्योति बिंदु चमकते सितारे उतरे सतयुग में। माना जब हम इस सृष्टि पर उतरे थे तो सुबह का समय था, स्वर्ण युग था, सतयुग था। कई पूछते ना कि शुरू से ही परमात्मा ने ऐसी कलयुग, दुख, तनाव ये वाली दुनिया बनाई क्या? तो नहीं, प्रारंभ में सतयुग, स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज यहीं पर था। ऐसा नहीं स्वर्ग कोई ऊपर, नर्क कोई नीचे, पाताल लोक, नहीं। सुबह यही थी जिसके लिए आज भी गाते डाल डाल पर सोने की चिड़िया, ऐसा भारत देश था। अब ये सीढ़ी क्यों दिखाई? सीढ़ी एक एक जन्मों की यात्रा की निशानी है कि किस तरह से मुझ आत्मा ने इस संसार नाटक में जन्म लिए। तो जब हम स्वर्ण युग में उतरे तो शिव बाबा ने बताया हमारी बैटरी आत्मा की फुल चार्ज थी। फुल चार्ज, अब आप फील करिए, हम मनुष्य नहीं देवी देवता कहलाते थे। माना प्रारंभ में मनुष्य देवता था, हमारे भीतर देवत्व था, वो देवता ही संस्कार, वो देवता ही गुण। 100% बैटरी चार्ज माना प्रारंभ में, तन का सुख हमें 100% था। कभी आपने सुना देवी देवता को हाई ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को हेडेक हुआ, कोई देवता की शुगर बढ़ी? माना संपूर्ण स्वस्थ निरोगी कंचन काया, और मन का सुख भी 100%। माना प्रारंभ में स्वर्ग में जब हम थे, स्वर्ण युग में सुबह के समय, तो हर चीज का सुख 100% था, हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज थी। अब मन का सुख 100% माना मन में बहुत आनंद था, खुशी से भरपूर था, पीसफुल माइंड था, मन एकाग्र रहता था। धन का सुख 100%, अथा धन, इतना धन था कि कहते देवी देवता हीरे जवाहरात के महलों में रहते थे, पुष्पक विमानों में घूमते थे। कहते स्वर्ग में घी दूध की नदी बहती थी। तो प्रैक्टिकल घी दूध की नदी नहीं होती है, ये एक संपन्नता का प्रतीक है। संबंधों का सुख 100%, माना आपसी संबंधों में निस्वार्थ प्यार था। ये सब शिव बाबा ने बताया, लोगों ने तो इतिहास कुछ और भी बताया। परमात्मा इस सृष्टि चक्र के ड्रामा का क्रिएटर डायरेक्टर है, उसको सारा पता है। स्टार्टिंग में इस सारी सृष्टि पर एक धर्म, देखिए ये सतयुग, स्वर्ण युग, पैराडाइज इसी सृष्टि पर था, उसका चित्र दिखा रहे हैं यहां। सुबह यही थी, देखिए हीरे जवाहरात के महल, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य, एक का राज्य। देखिए देवी देवता पुष्पक विमानों में घूमते, एक धर्म और एक भाषा चलती थी। देखो कितनी सुंदर सृष्टि, कभी कभी इमेजिनेशन के बाहर लगता है, पर देखो छोटा बच्चा है, माँ सुबह तैयार होके उसको फ्रेश करके साफ सुथरा बना के भेजती, दिन भर खेलता है, रात में ड्रेस काली हो जाती है।
तो शिव बाबा ने हमें बताया, तुम आत्मा जब उतरी थी परम धाम से तो 100% बैटरी चार्ज श्री कृष्ण की दुनिया थी, स्वर्ण युग। तनाव क्या है, दुख क्या है, पाप क्या है, भ्रष्टाचार क्या है, ये शब्द ही नहीं पता था। कितना आनंद। और ऐसी सृष्टि में हीरे जवाहरात के महलों में हम रहते थे, ये हमारी स्टोरी है। भारत स्वर्ग था, जिसके लिए गाते हैं आज भी। एक धर्म, एक का राज्य, एक विश्व, टुकड़े टुकड़े नहीं थे। और वर्ल्ड पॉपुलेशन भी स्टार्टिंग में शिव बाबा ने बताई 9 लाख। अब सोचिए पूरे विश्व में सिर्फ 9 लाख, तो एक भारत। तो ऐसा स्वर्णिम युग जो आप देख रहे हैं, स्वर्णिम संसार, हीरे जवाहरात के महल, इसी सृष्टि पर ये सवेरा स्वर्ण युग कितना समय चला, 1250। और इस युग में अधिक से अधिक हमने जन्म लिए 8, इसलिए 8 सीढ़ी गोल्ड कलर से पेंट की है। उसका ये मतलब है कि 8 जन्म हमने स्वर्ण युग में लिए, एक एक सीढ़ी एक एक जन्म के लिए। अब सतयुग बीता, त्रेता युग आया, आप देख रहे हैं। त्रेता युग में आत्मा आई तो आत्मा की बैटरी सिर्फ 2% कम हुई, क्योंकि ये सिद्धांत है, जैसे जैसे हम जन्म लेते हैं बैटरी डाउन होती जाती है। तो तन मन धन संबंध सबका सुख सिर्फ 2% कमी आई। और इस सीढ़ी में देखिए 12 सीढ़ी सिल्वर कलर से पेंट किए, इसका ये मतलब है कि 12 जन्म हम सबने त्रेता युग में लिए। और त्रेता युग भी इसी सृष्टि पर 1250 साल चला। देखिए लोगों ने लाखों करोड़ों आयु बताई, शिव बाबा ने एक्यूरेट ज्ञान दिया। और त्रेता युग में राज्य था श्री राम श्री सीता। तो 1250 सतयुग और 1250 त्रेता, दोनों को अगर मिला दें, दोनों को मिला दें आयु हो गई 2500 साल। तो आप थोड़ा विजुलाइज करिए, कल्पना करिए कि 2500 साल तक इस संसार नाटक में देवी देवताएं घूमते थे, हम ही देवी देवता, हमारे भीतर देवत्व था। 2500 साल तक यहां पर हीरे जवाहरात के महल, सर्व प्राप्तियों से संपन्न जीवन, सुखमय शांतिमय प्रेममय दुनिया, जिसको हम हेवन स्वर्ग पैराडाइज कहते हैं। तनाव दुख शब्द ही नहीं पता था, घी दूध की नदी बहती थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं, अथाह सब था। अब ये 2 युग पूरे हुए, सतयुग गया त्रेता गया, देखिए कितना सुंदर बता रहे हैं इसमें, आप देख रहे हैं वीडियो में। फिर उसके बाद आया द्वापर युग। अब जब द्वापर युग आया तो आप ऐसा समझ लीजिए कि इस दुनिया की फिल्म में एंट्री हुई विलेन साहब की। भाई विलेन साहब रावण को भी दिखाइए जरा। रावण आए माना हमारे जीवन में आई बुराइयां, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो ये रावण साहब विलेन की एंट्री कब से हुई, बुराइयों की? द्वापर युग माना सुबह हो गई, दोपहर हो गई, फिर शाम हुई, तब विलेन साहब आए।
हमारे अंदर नेगेटिव सोचने की आदत, नेगेटिविटी बढ़ी, डिप्रेशन, तनाव, काम क्रोध ये सब आए, जिसको हम 10 शीश बताते हैं ना रावण के, माना 5 विकार फीमेल में और 5 विकार मेल में। तो जब रावण साहब आए इस दुनिया में बुराइयां, तो दुख आया, अशांति आई, तो फिर सुख शांति के लिए हमने इस सृष्टि पर भगवान की भक्ति प्रारंभ की। सतयुग त्रेता तक भक्ति नहीं करते थे, खुद ही देवी देवता पूज्य रहते थे। द्वापर युग में ये रावण साहब आए तो दुख आया, तो सबसे पहले इस सृष्टि पर भक्ति हुई, हमने याद किया ज्योतिर्लिंग शिव बाबा, ज्योति स्वरूप परमात्मा के लिंग बने। 500 साल तक ज्योतिर्लिंग की पूजा हुई कि हमें सुख मिले, शांति मिले। हर चीज में देखिए, द्वापर युग में डिटोरिएशन हो रहा था, आत्मा की बैटरी रह गई 60-65%, माना का 100% चार्ज से हम उतरे थे। तो जैसे जैसे जन्म लेते जा रहे थे, सीढ़ी नीचे उतरते जा रहे थे, हमारी ताकत, हमारे गुण, हमारे संस्कार कमी आती जा रही थी। तो द्वापर युग में तन मन धन रिश्ते इन सब का सुख रह गया लगभग 60-65%। अब द्वापर युग में देखिए, यहां डिटेल बताया, पूजा सबसे पहले ज्योतिर्लिंग, फिर अन्य देवी देवताओं की भक्ति शुरू हुई, श्री कृष्ण, श्री राम, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री विष्णु, सबकी भक्ति प्रारंभ की कि कैसे भी करके हमें सुख शांति मिले। और द्वापर युग में यहां बताया 21 सीढ़ी देखिए कॉपर से पेंट किए, इसका ये मतलब है 21 जन्म द्वापर युग में लिए। देखो जन्म बढ़ते जा रहे हैं, सतयुग में 8, फिर 12, फिर 21। ये हमारी कहानी है, किस किस युग में कितने कितने जन्म लिए। और देखिए सतयुग में आयु भी हमारी 150 साल थी, 150 वर्ष जीते थे, अकाले मृत्यु नहीं होती थी। और द्वापर युग में आते आते आयु भी हमारी कम होती गई, तो द्वापर युग भी इसी सृष्टि पर चला 1250। माना हर एपिसोड सुबह दोपहर शाम तीनों एपिसोड चले 1250 साल। तो द्वापर युग में एक तरफ भक्ति शुरू हुई, दूसरी तरफ आप कल्प वृक्ष का चित्र देखिए, शिव बाबा ने देखा कि बच्चे आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो डायरेक्ट पिताजी नहीं आ गए हमें समझाने परमधाम से, उनका रोल अभी नहीं आया। द्वापर युग में शिव बाबा ने हमारे बड़े भाई माना धर्म पिताओं को भेजा इस सृष्टि पर कि जाओ सबको सुख शांति का रास्ता बताओ। थोड़ा चित्र जूम करेंगे तो अच्छे से दिखेगा, ये एक वृक्ष दिखाया है, इसमें दिखाया सतयुग त्रेता तक, देखिए इसकी कोई ब्रांचेस नहीं है, कोई टाल टालियां नहीं। अब देखिए द्वापर युग से इसकी ब्रांचेस निकल रही है अनेक धर्म। सतयुग त्रेता में देखिए एक धर्म एक राज्य, अब द्वापर युग में कौन से आए, इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म, फिर बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म, ऐसे अनेक ब्रांचेस दिखाई, क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म, फिर शंकराचार्य द्वारा संन्यास धर्म, फिर मोहम्मद साहब द्वारा मुस्लिम धर्म, गुरु नानक जी द्वारा सिख धर्म, माना ऐसे अनेक धर्म पिताओं का आगमन, धर्मों का वृक्ष, मठ पंथ ये सब विस्तार होते जा रहे हैं। कल्प वृक्ष
मना किस तरह से इस सृष्टि का झाड़ बढ़ा, धीरे धीरे पॉपुलेशन भी बढ़ती गई। सीढ़ी का चित्र देखें भले पुनः देखिए, आप जब सेंटर जाएंगे ना तो बहुत डिटेल में और अच्छे से आपको इस पे एक एक चित्रों पे समझाया जाएगा। इतना विस्तार है ये तो हम आपको शॉर्ट में आज बता रहे हैं। तो 8, 12, 21 अब सुबह हो गई, दोपहर बीती, शाम हो गई, अब क्या आ गया, सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर चला गया, अब आ गया कलयुग, आयरन एज। तो कई पूछते ना कि शुरू से कलयुग था क्या, ऐसी दुनिया भगवान ने बनाई, तो नहीं, शुरू में तो स्वर्ण युग, इतने देवत्व संस्कार, सुखमय ऐसा राज्य था। ये धीरे धीरे माना 1250 साल बीते, फिर 1250, फिर 1250, ये ऐसे बीते, उसके बाद हम यहाँ आए। तो अब आप बताइए कलयुग रात आ गई है, तो ये नहीं पूछेंगे रात क्यों आई, ये तो चक्र चल रही है, सुबह दोपहर शाम और रात, और डरते भी नहीं है, पता है रात के बाद फिर क्या आएगी, सुबह आ जाती है। तो अभी कलयुग में कितनी बैटरी रह गई होगी हमारी, जरा विचार करिए तो सुनने वाले भाई बहनों। आज के समय में तन, मन, धन और संबंध, वास्तविक कितना सुख रह गया, 5 या 10%। कलयुग में कहते हर कोई चिल्ला रहा है, चिंता की चिता पर बैठा है, कोई तन के रोग के कारण चिल्ला रहा है, कोई मन की परेशानी के कारण चिल्ला रहा है, कोई टैक्स के बोझ के कारण चिल्ला रहे, और अभी तो सब गंभीर बीमारियों के कारण चिल्ला रहे, कोई संबंधों की स्वार्थ गड़बड़ी के कारण चिल्ला रहे। तो इस समय चिल्ला रहे मन भीतर से चिल्ला रहा है व्यक्ति, और अपने जीवन को और काम को धक्के से चला रहा है। आप देखिए ना, बुजुर्ग लोगों से मिलते आज से 60-70 साल पहले, आप सोचिए कितना अच्छा जीवन था लोगों का। 60-70 साल पहले मस्त रहता था आदमी, ये लाफिंग क्लब नहीं खुले थे। 60-70 साल पहले स्वस्थ रहता था, इतनी बीमारियां, आजकल तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये कॉमन हो गई, और अब तो ऐसी बीमारी आ रही है जिसका हमने नाम नहीं सुना और इलाज भी नहीं निकल पा रहा है। तो तन का सुख, और ये सब क्यों हुआ, कई पूछते ना भाई क्यों हुआ, तो भाई ये कलयुग के चिन्ह है। जैसे जैसे विलेन साहब का रोल बढ़ा, जीवन में हमारी बुराई आई, हमने पाप कर्म किए, तो रात आ गई, कलयुग आ गया, और उसकी ये सजा मिल रही है। पर अभी डरना नहीं है, ठीक है, अब क्या करना है वो हम बताते हैं। अच्छा, मन का सुख कितना रह गया, आज मन का सुख भी 0, ये डिप्रेशन, मन दुखी होना, बहुत नेगेटिव विचार चलना, मन अशांत रहना, अनेक मन की बीमारियों की लिस्ट है। धन का सुख 0, सतयुग में गाते डाल डाल पर सोने की चिड़िया, मतलब इतना धन था। आप कहोगे दीदी आज भी किसी किसी के पास तो बहुत पैसा है, आज धन है पर धन का सुख प्राप्त नहीं है। पैसे के साथ चिंता और डर भी उतना ही है। और संबंधों का सुख, आपसी संबंधों में स्वार्थ आ गया है, पिता पुत्र की नहीं बनती है, और कोरोना ने तो और ही दूरी ला दी है, मिल ही नहीं पा रहे, एक दूसरे के पास जा ही नहीं पा रहे। तो संबंधों का सुख 0, और आयु कोई भरोसा नहीं। अच्छा, अनेक धर्म,
अनेक राज्य, मतलब कहा एक धर्म एक राज्य चलता था, क्या हालत हो गई दुनिया की। अच्छा बताइए, ये ग्लोबल वार्मिंग, आतंकवाद, पापाचार, भ्रष्टाचार, चरित्र की इतनी गिरावट, संस्कारों की गिरावट, क्या आज से 50-60 साल पहले ये सब इतने नाम सुने थे? अभी देखिए मौसम कैसे बदलता है, तो हर चीज में अभी क्या हो रहा है, अभी कलयुग भी नहीं, अभी जो समय चल रहा है वो घोर कलयुग चल रहा है, डार्क नाइट, रात शुरू नहीं हुई है, घोर रात्रि। देखिए हर चीज में फास्ट लाइफ, फास्ट फूड और फास्ट डेथ हो गई है। अब एक प्रश्न उठता है, तो ये जो सब पूछ रहे हैं ना, कईयों के फोन आते हैं कि दीदी ये सब क्यों हो रहा है प्रकृति में, कोरोना वायरस और ये सब कलयुग के अति अति के चिन्ह है, माना हर चीज में अति, तमो प्रधानता, बीमारियों में अति, संस्कारों के भ्रष्टाचार में अति, पापाचार में अति, ऐसी ऐसी खबरें हैं जो सुन भी नहीं सकते। तो ये घोर रात के चिन्ह है। अब एक प्रश्न उठता है, कलयुग का पीरियड भी 1250, ये शिव बाबा ने बताया, और कलयुग में जो जन्म होते वो 42 मैक्सिमम। अब एक प्रश्न अपने से पूछिए, हमने आपको समझाया, हम अब जो लेने जा रहे हैं ये पूरे 7 दिन के शिविर का क्रीम, एकाग्र होके सुने। अब अपने से प्रश्न पूछिए, सुबह बीत गई, दोपहर बीत गई, शाम बीत गई, कलयुग की रात में भी घोर रात पे हम आ गए, हर चीज में अति अति अति। तो अगर आज घोर रात है, अपने से पूछना है, अति दुखमय, तमो प्रधान, पापाचार, भ्रष्टाचार, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसी दुनिया है, तो क्या घोर रात ही चलती रहेगी कि सवेरा आएगा? क्या विचार है आपका? अगर ऐसी दुनिया है तो क्या यही चलती रहेगी? समय के बारे में कहते हैं, समय परिवर्तनशील है, ये सिद्धांत है। घोर रात के बाद सवेरा आता ही है। तो शिव बाबा ने इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के माध्यम से ये खुशखबरी हम आपको सुना रहे कि बताया, ध्यान से सुनिए, कि हे आत्माओं, अब कलयुग की रात समाप्त होने वाली है और पुनः इसी सृष्टि पर वो नई दुनिया, वो स्वर्ण युग, वो स्वर्णिम संसार, वो हेवन, वो पैराडाइज, सतयुग आने वाला है जैसा सृष्टि के प्रारंभ में था, माना चक्र बदलने वाला है। ये खुशखबरी हम आपको सुना रहे। तो स्वर्ण युग आने वाला है, देखिए कितना सुंदर बताया, ऐसी दुनिया आने वाली है, अच्छे से देख लीजिए, जहां पुष्पक विमानों में देखिए देवी देवताएं घूम रहे हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य, हीरे जवाहरात के महल, और सुख शांति आनंद, डाल डाल पर सोने की चिड़िया। तो भाई बहनों, ऐसा स्वर्ण योग, वो पैराडाइज, वो सतयुग इसी दुनिया में आने का समय आ गया है। देखिए ये शिव बाबा की तरफ से आपको खुशखबरी सुना रहे हैं। देखिए प्रयास सब तरफ से चल रहे हैं कि भारत पुनः सोने की चिड़िया बने, पर आप बताइए क्या कोई भी मनुष्य, गुरु, धर्म पिता, किसी की ताकत है विश्व परिवर्तन कर देना? अति दुखमय, तनाव, भ्रष्टाचारी वाली दुनिया को सुखमय बना देना, ये काम एक सर्वशक्तिमान ज्योति स्वरूप
परमात्मा ही कर सकते हैं। तो हम इस शिविर के द्वारा एक खुशखबरी सुना रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। जिस परमात्मा को लोग खोज रहे हैं, पुकार रहे हैं, प्रभु आओ, किस रूप में आओगे, वो परमपिता सब धर्म की आत्माओं के पिता इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। तो शिव बाबा ने कहा, देखिए किसके तन में आए, क्योंकि वो तो ज्योति है। ये सब जब आप सेंटर जाएंगे तो डिटेल मालूम पड़ेगा। तो शिव बाबा ने बताया कि मैं सबका परम पिता आ चुका हूं, ये खुशखबरी दुनिया की एक एक आत्माओं तक पहुंचा दो, क्योंकि शिव बाबा सबका पिता है। तो ऐसा कोई ना कहे, हे परम पिता आप आए, हमें पता तक नहीं लगा। तो परमात्मा का अवतरण इस सृष्टि पर हो चुका है, ये आज के समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अब क्यों आए शिव बाबा? तो सबसे पहले होगा इस पुरानी पतित कलयुगी घोर रात का महाविनाश। देखिए पुराने मकान पे नया बनाना है तो पुराने को तो तोड़ना ही पड़ेगा ना, साफ सफाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले होगी इसकी सफाई, एटम बॉम्ब्स, सिविल वॉर, प्राकृतिक आपदाएं और ग्रह युद्ध के द्वारा। ये सब ज्ञान शिव बाबा ने स्पष्ट कर रखा है। क्यों होगा इन सब के द्वारा? क्योंकि पाप इतने लोगों ने करे, वो चुकतू तो करना पड़ेंगे ना। और उसके बाद होगा नई दुनिया का आगमन। तो सबसे बड़ी इस ऑनलाइन शिविर की खुशखबरी, हमारे परम पिता आ चुके हैं, पुरानी कलयुगी रात का समय समाप्ति की ओर है, और पुनः ये शिव बाबा ने ज्ञान दिया कि वो सतयुग, वो स्वर्णयुग आने का समय आ गया है। कई पूछते दीदी कितने दिन है, तो मैं आपको कहती कलयुग वेंटिलेटर पे चल रहा है। वेंटिलेटर पे इंसान हो तो कुछ भरोसा नहीं है, 10 मिनट में भी चला जाए, साल भर भी लगे, 2 साल भी लगे, माना कभी भी ये समाप्त हो सकता है। पर उसके पहले एक प्रश्न, स्वर्ण युग आने वाला है, स्वर्ग आने वाला है, पैराडाइज आने वाला है। आप में से जो जो भाई बहने उस स्वर्ण युग, वो नई दुनिया, उस श्री कृष्ण वाली, वो श्री लक्ष्मी श्री नारायण पैराडाइज वाली दुनिया में जाना चाहते हैं, वो भले घर पे बैठे हैं अभी, पर जरा हाथ उठाओ, शिव बाबा देखेंगे कौन कौन उस दुनिया में मॉर्निंग में जाना चाहते हैं। नहीं, हाँ देखो हमारी सब बहने उठा रही, आप भी उठाइए भाई, जो जो जाना चाहते हैं, वेरी गुड। क्यों नहीं जाए भाई, हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। हमारा बाबा स्वर्ग का रचयिता है, तो सतयुग का वर्षा, क्योंकि वो पिता है ना, हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। थोड़ा और सतयुग दिखाए, मैं भाई बहनों को थोड़ा विजिट करा दूं इतनी सुंदर दुनिया की, क्योंकि उसके बाद फिर मैं आपको क्वालिफिकेशन बताऊंगी कि इतनी सुंदर दुनिया में जाने के लिए क्या चाहिए। तो डरना नहीं है कि कलयुग चल रहा है, चल रहा है, पर वो समाप्ति की ओर है। इसलिए ये प्रश्न भी नहीं, क्यों इतना तनाव, क्यों इतना भ्रष्टाचार, क्यों ग्लोबल वार्मिंग, अब क्या आने वाला है। देखो इतनी सुंदर दुनिया, इसी सृष्टि पर, इसी भारत भूमि पर देवी देवताओं के रूप में हम घूमेंगे। देखो वाह, पुष्पक विमानों में हम घूम रहे, ये हमारी स्टोरी है भाई। इतनी सुंदर प्रकृति, ऐसे हम रास करेंगे, देखो कितनी सुखमय, खुशी का, आनंद का माहौल ये लाने ज्योति बिंदु शिव बाबा आ चुके, श्री कृष्ण की दुनिया। तो ये दुनिया आगमन होने वाली है, तो अब ऐसी दुनिया में जाना है तो उसके लिए क्या करना है?
वो क्वालिफिकेशन तो पता होनी चाहिए ना। देखो कितना सुंदर दृश्य, ये तो दृश्य है, वास्तव में इससे भी कई गुना सुंदर स्वर्ग इस सृष्टि पर होगा। स्वर्ग जिसकी कल्पना से भी रोमांच खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा बाबा हमारे लिए दुनिया लाया है, ये परमात्मा भगवानुवाच है। लोग सोच रहे पता नहीं क्या होगा क्या होगा, हम खुशखबरी सुना रहे कलयुग की रात समाप्त होने वाली है और ये देवी देवता वाली दुनिया, ये स्वर्ण युग, ये गोल्डन युग, ये देखिए देवी देवताएं महल, ये आने वाला है। अब आप सबकी इच्छा हो रही होगी देखकर कि भाई ऐसी सुंदर दुनिया में हम भी जाएं ना, क्या महल जगमगा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब वो इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है कि हमें सतयुग का टिकट चाहिए तो क्या करना। अब सुनिए, ये जो हमारा एक नया जन्म हुआ, नया जन्म है ना हम सभी का, शिव बाबा की पहचान मिली, शिव बाबा की छत्र छाया में आए, तो बाबा ने कहा है आपको ऐसी स्वर्ण युग में जाना है तो अपनी आत्मा की बैटरी वैसी फुल्ली चार्ज करनी पड़ेगी जैसा आप स्वर्ण युग में थे। माना बैटरी पूरी फुल्ली चार्ज, माना ये नए जीवन का लक्ष्य हुआ हमें मनुष्य से देवत्व की ओर चलना पड़ेगा। बाबा आए हैं मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाने, जो सीढ़ी हम नीचे उतरे थे वो जंप लगानी पड़ेगी। अब प्रश्न उठता है बैटरी कैसे चार्ज करूं, अभी तो बिल्कुल डाउन है ना, काम क्रोध लोभ मोह सब भरा पड़ा है अंदर। तो ऐसी कौन सी युक्ति बाबा लाए, तो उसके लिए बाबा दो बात बताते, भले आप लिख लीजिए अपने अपने घरों में बड़े बड़े अक्षरों में। एक तो जो सुप्रीम चार्जर है सर्वशक्तिवान, उससे कनेक्ट करना पड़ेगा, माना मेडिटेशन करना पड़ेगा। जब हम शिव बाबा ज्योति बिंदु से कनेक्ट करेंगे तो उसकी शक्तियों की जो लाइट आएगी उससे हमारी बैटरी चार्ज होगी। देखिए जिससे हम मेडिटेशन करते उसकी एनर्जी अंदर आती, गुरुओं को याद करते उनकी आती, देवी देवताओं को याद करते उनकी आती। अब इस शिविर में परमात्मा का परिचय मिला, ज्योति स्वरूप शिव बाबा से कनेक्ट करिए, बैटरी फुल चार्ज। दूसरा क्या करना पड़ेगा, कई पूछते ब्रह्मा कुमारीज में रोज क्या होता है सत्संग में। दूसरा, शिव बाबा ने इस सृष्टि पर आकर जो ज्ञान दिया, 1936 में शिव बाबा का अवतरण हुआ, किस स्तन में हुआ क्या हुआ ये डिटेल आपको एडवांस कोर्स में बताएंगे, पर जो ज्ञान ज्योति बिंदु ने आकर दिया, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं मुरली, तो वो मुरली सुनना पड़ेगी। क्योंकि सतयुग में जाना है तो संस्कार चाहिए, ऐसे ही बाबा भेज दे हम वहां भी गुस्सा करने लगे, वहां भी डिप्रेशन में बैठ जाए देवता तो क्या होगा। तो स्वर्ण युग में जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो संस्कार। और उसके लिए ब्रह्मा कुमारी इसमें नियमित 1 घंटे रेगुलर बिना एब्सेंट, अभी लॉकडाउन है तो ऑनलाइन चल रहा है पर छुट्टी बिल्कुल नहीं होती हमारे यहाँ, 1 घंटा नियमित सालों से लोग आते हैं। देखिए ब्रह्मा कुमारी इसका जो इतिहास है कैसे एस्टेब्लिश हुई ये सब आप डिटेल आगे कोर्स में सुनेंगे, पर यहाँ पर बड़ी बड़ी पोस्ट पोजीशन वाले लोग भी आते, साधारण भी आते, कम पड़े भी आते, गांव वाले भी आते, क्योंकि परमात्मा सबका पिता है। तो क्या करना होता है यहाँ, 1 घंटा आते हैं, ज्ञान सुनते, शिव बाबा को याद करते, बैटरी चार्ज करते और वापस अपने काम पे जाते। तो सार ये है कि शिव बाबा ने ज्ञान दिया कि वो नई दुनिया आने वाली है,
स्वर्ण युग आने वाला है, आपका बाबा आया हुआ है, आप उसको याद करें, जो ज्ञान वो सुना रहा है, जिसको मुरली कहते हैं वो सुनिए, तो आपकी आत्मा सतयुग में जाने के लायक क्वालिफाई हो जाएगी, जो मनुष्य से देवत्व की ओर हम चल पड़ेंगे। ये तो भविष्य की बात। तो अब आपको अपनी लाइफ स्टाइल में क्या करना है? इतना जो शिविर सुना आपने, परसों भी हमने डिस्कस किया था कि व्रत लेना है, दृढ़ संकल्प करना है कि इस महामारी के द्वारा हमें एक अवसर मिला है कि एक घंटा आध्यात्म को देना है। देखिए आज का एक्शन प्लान, मैं सतयुगी दिव्य आत्मा हूं, ये आप क्यों सुन रहे हैं शिविर? आपको क्यों अपॉर्चुनिटी मिली घर बैठे बैठे? क्योंकि आप वो सतयुग की दिव्य आत्मा हैं। केवल आपको याद नहीं था तो शिव बाबा ने याद दिलाया कि आपको पुनः वो सतयुग में जाना है। तो उसके लिए क्या करना, एक घंटा परमानेंट नियम बना लीजिए कि मुझे, क्योंकि आप देखिए अभी जो वर्ल्ड ड्रामा है वो और क्लाइमेक्स पे जाएगा। कहते ना, पाप का घड़ा भरता है तभी फूटता है, तो अति अति होगी। तो मीठे भाई बहनों, ध्यान से मेरी बात सुने, डरा नहीं रहे हम आपको। ये दुनिया अभी महापरिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरेगी, ग्लोबल वार्मिंग, भूकंप, ये सब अभी होना है। तो महापरिवर्तन की प्रक्रिया में हम मानसिक रूप से मजबूत रहे, हमें आध्यात्मिक सहारा प्राप्त होता रहे, मानसिक रूप से हम स्टेबल रहें, विचलित ना हो, इसके लिए शिव बाबा आकर मेडिटेशन सिखा रहा है। सर्जरी तो होनी है, पर होता है ना, ऑपरेशन होता है उसके बाद बीमारी चली जाती है, फिर ठीक हो जाता है। पर ऑपरेशन के टाइम, मैंने अभी ऑपरेशन होने वाला है इसका, कलयुग का, तो इस ऑपरेशन के टाइम आपको दर्द महसूस ना हो उसका, इसलिए शिव बाबा को याद करिए। और क्यों याद करना? अभी तो देखिए, मैं आपको कहती हूं बहुत चीजें जीवन में अपनाई, एक महीना ये एक्सपेरिमेंट करिए, ये शिविर पूरा नहीं हुआ है, ये तो ए फॉर एप्पल एक जस्ट आउटलाइन हुई है। अब इसका जो डीप ज्ञान है शिव बाबा ने दिया, वो कल से इसी टाइम पे एक घंटे के लिए शुरू होगा। तो एक्सपर्ट बहने आपका एडवांस कोर्स लेंगी, उसमें कई बातें आपको बताई जाएंगी। और मैं तो ये कहती कि जिन्होंने ये शिविर सुना, वो दीदी से फोन पर बात करके वो आपको टाइम देंगी ग्रुप ग्रुप में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी समय ऐसा चल रहा है, तो एक बार बाबा के घर की विजिट जरूर करें। प्रसाद का भी मैंने दीदी को कहा, भाई खिलाइए, तो बोले सेंटर आएंगे तो खिलाएंगे। तो आप वहां जाएं, वहां का मेडिटेशन रूम देखें, बाबा का भोग खाएं। और ये तो एक ऑनलाइन रफ हुआ, अब अगर विस्तार से आप जानना चाहते हैं मेडिटेशन कोर्स, तो सेंटर जाके एक बार समझिए तो सही। क्योंकि क्या होगा, लास्ट में जब कलयुग एकदम एंडिंग पे होगा, सबको पता चलेगा शिव बाबा आए थे, ज्ञान सुनाया था, सुख शांति शक्तियां दी थी, सतयुग में जाने के लायक तैयार किया, पर उस समय इस ड्रामा का क्लोजिंग हो जाएगा। फिर आप कहोगे अब हम शिव बाबा को याद करें, अब शिव बाबा से बैटरी चार्ज करें, अब सतयुग में जाने के लायक क्वालिफाई हो, उस समय ट्रेन छूट जाएगी। तो अभी वक्त है, आप सब कितने पुण्य आत्माएं हैं। देखो शिव बाबा कितना रहमदिल है, कितना भोलानाथ, कहते हैं ना कि भले ही लॉकडाउन है, पर उनको पता है कि मेरे बच्चे अभी बहुत तनाव की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, बहुत डर में हैं। तो बाबा ने घर बैठे ऑनलाइन आपके लिए
ये सेवा का कार्यक्रम रखा और उसका यही लक्ष्य है कि अपने भीतर के डर को निकाल दीजिए, नई दुनिया आने वाली है, ऐसी दुनिया में जाना है, शिव बाबा आए हुए हैं, जो ज्ञान वो दे रहे हैं और उनको याद करने से, मुरली सुनने से, मैं आपको बता रही हूं भले ही दुनिया में कुछ भी होता रहे, मानो बाहर गर्मी है, आप एसी में बैठे तो आपको थोड़ी पता चलेगा कितनी गर्मी है, तो दुनिया कलयुग में भले ही कुछ भी होता रहे, आपको लगेगा मैं शिव बाबा की याद में, शिव बाबा की छत्र छाया में बहुत खुश हूं, निश्चिंत हूं, निर्भय। लाखों भाई बहने शिव बाबा को याद करके ऐसा मस्त जीवन जी रहे। तो ये हमारा शिविर का पर्पस था कि शिव बाबा इस सृष्टि पर आए हैं, जो ज्ञान वो दे रहे हैं, क्योंकि आप उनके बच्चे, आपका हक है उस ज्ञान को लेना। तो ये तो रफ आपको सुनाया, अभी हम बहुत सुंदर उत्सव की तरफ चलेंगे, पर उसके पहले यही निवेदन है कि जहां जहां भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, क्योंकि सब लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन, वहां आप जरूर दीदियों से बात करें, सेंटर की विजिट करें, और सब बहनों की यही शुभ भावनाएं, जैसे 140 देशों में ब्रांच है, 8,700 से ज्यादा सेवा केंद्र है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है। सेवाओं का लक्ष्य यही है कि जो ज्ञान, जो खुशी, जो शक्तियां, परमात्म मिलन हम लोगों का हुआ, वो परमात्म मिलन आप सबका भी हो जाए, ताकि लास्ट में जब मालूम पड़ेगा कि शिव बाबा आए थे, कहते हैं ना परमात्मा साधारण रीति आते हैं, तो भले ही सृष्टि पर करोड़ों आत्माएं उपस्थित है, पर करोड़ों में कोई, कोई में भी कोई उसको समझ पाते हैं। तो जब ये मालूम पड़ेगा कि शिव बाबा आए थे, ज्ञान दिया था, नई दुनिया आने वाली है, तो उस समय आपको ये अफसोस ना हो कि हमें तो बताया नहीं। तो शिव बाबा ने कहा है कि विश्व की हर आत्मा तक प्रभु पधार चुके हैं, प्रभु स्वर्ग की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, सवेरा आने वाला है, ये संदेश दे दो, ताकि हर आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होकर बैटरी चार्ज कर ले और सुख शांति का अपना जन्म सिद्ध अधिकार ले ले। तो यही शुभ भावना है, आज से तनाव का एंड है, पर खुशियों के जीवन की शुरुआत। मैं आपको कह रही हूं 15 दिन, कल से जो एडवांस कोर्स होगा, जो मुरली आप सुनेंगे, उसकी ताकत अनुभव करेंगे, क्योंकि मुरली माना भगवान ने जो ज्ञान सुनाया वो सुनाएंगी बहने आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट करके। सेंटर पर भी विजिट कर सकते हैं, पर अभी हम चल रहे हैं ऑनलाइन उत्सव की तरफ, तो जो एक्शन प्लान है उसको 1 मिनट में हम रिवाइज करें। फील करिए कि मैं सतयुगी दिव्य आत्मा हूं, मेरे शिव बाबा मुझे पुनः उस सतयुगी दुनिया में ले जाने, गोल्डन एज में ले जाने आए हैं। मैं आज अपने अंदर ये व्रत लेती हूं कि मैं अपने शिव बाबा से कनेक्ट होकर उनके द्वारा सुनाया ज्ञान सुनकर अपने जीवन के आत्मा के संस्कारों को अवश्य बदलूंगी। जो खुशियों का खजाना, आनंद का खजाना शिव बाबा लुटा रहे, अवश्य लुटूंगी। तो भाई बहनों, लोग खुशी शांति पाने के लिए लाखों खर्चा कर देते हैं,
और आपने शिविर के द्वारा क्या पा लिया? खुशियों के खजानों की। सोचिए तो सही, क्या हो गया ये 7 दिनों में? खुशियों के सागर, प्यार के सागर, सर्वशक्तिवान सर्वोच्च से मिलन। कितनी बड़ी लॉटरी मिल गई, पाना था सो पा लिया। ईश्वरीय लॉटरी। लोग खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, आपकी जन्म जन्म के पुण्य फलीभूत हुए। आपकी बुद्धि का ताला शिव बाबा ने खोल दिया, आपने अपने परम पिता को पहचान लिया, पा लिया। अब बस वो जो सुना रहा है उसको सुने, उससे कनेक्ट करें। तो जो आज का उत्सव है उसका थीम है महाविजय उत्सव, नाम है उसका। थीम क्या है कि जैसा भारत सोने की चिड़िया थी, स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड, वैसा हम पुनः इस भारत को शिव बाबा की मदद से स्वर्ग, सतयुग, पैराडाइज बनाने में अवश्य कामयाब होंगे। तो भाई बहनों, डरो नहीं, कलयुग की रात समाप्त होने वाली है, सवेरा आने वाला है। तो आइए इस खुशी में महाविजय उत्सव मनाएंगे। सब बहने बाद में बाबा के झंडे भी हिलाएंगी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हम सबका मनोबल बढ़ाया उसका वीडियो देखिए, और भारत पुनः ऐसा बनेगा उसको एहसास करिए। तो भाई बहनों, में हमारी बहने बाबा के झंडे लहराएंगी, और आप भी अपने घरों में खड़े हो जाए, तालियां बजाए। ये कोरोना कोरोना अभी इसका डर निकाले, कलयुग जाने वाला है, नई दुनिया आने वाली है। सेफ्टी रखे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर ये खुशी में कि शिव बाबा आ चुके, भारत पुनः विश्व गुरु स्वर्ण युग आने वाला है। आप घरों में खड़े होके खुशी में तालियां बजाएं, और लास्ट में शंखनाद भी होगा, क्योंकि स्वर्ण युग का आगाज है, सतयुग का आगाज है। ये जो सुना, लोगों को असंभव लगता है, कल्पना लगती है, पर ये सत्य यही है। परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं सत्य धर्म, एक धर्म की स्थापना करने, पुनः श्री लक्ष्मी नारायण की दुनिया सतयुग, सवेरा आने का समय आ चुका है। भारत फिर भरपूर, और भारत सोने की चिड़िया, डाल डाल पर सोने की चिड़िया। मेरा ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। माला
सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये जो शब्द आपने सुना, ये किस चीज की है? हमारी बहन जी ने ये शिविर रख के ऑनलाइन सबके लिए ये एक मैसेज दिया, शंखनाद किया कि परमात्मा से आप भी अपना खजाना लूटें। तो इतना सुंदर घंटियों और शंखनाद के साथ ये उत्सव मनाया गया कि शिव बाबा के आने की खबर सबको मिले।